this video is gonna be a long video, so grab something to eat or drink or chill and let's get started. Hey guys, welcome back to my channel The Crafty. This is Devyani. So today's video is a highly requested video. So kal maine apne Instagram pe pucha tha if you guys would like to see my weight loss journey and my healthy lifestyle, and a lot of you guys said yes. So here I am doing this video. So before starting this video, if you haven't subscribed to my channel yet, then go hit that subscribe button and the bell icon. Give this video a big fat thumbs up if you like it, and follow me on all my social media. Links will be down in the description box as usual. And yes, without any further ado, let's get started. Weight and overall my health for the past few years, and I think you guys would have seen that on my Instagram. So yes, let's start from the beginning. So jab main college mein thi tab first year mein I was a healthy kid, matlab I was healthy like 50-55 kgs weight tha mera. And coming to like second third year, I started getting these हाइपर एसिडिटी थिंग, और एवरी मॉर्निंग मेरे को वॉमिटिंग जैसा होता था. माई हेल्थ वॉज नॉट वेल, और मैंने उसके वजह से बहुत सारा वेट लूज करना चालू कर दिया. एंड आई वेंट फ्रॉम लाइक 55 टू लाइक 45 इन लाइक 3 or 4 मंथ्स. एंड आई रियली बिकेम लाइक मैल न्यूट्रिशन. बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था, और सब मुझे बोलते थे कि आर यू सिक और समथिंग, व्हाई हैव यू लॉस्ट सो मच वेट. एंड कॉलेज में आई वॉज लाइक आई वेंट फ्रॉम 55 to 45, तो एवरी वन लाइक हु सॉ मी वॉज लाइक आर यू ओके, इज समथिंग रॉन्ग विथ यू और समथिंग. तो वो मुझे बहुत हर्ट करता था कि आई बिकॉज ऑफ माई हाइपर एसिडिटी मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है. एंड एवरी वन इज आस्किंग, आई डिड नॉट लाइक दैट. मुझे बहुत मतलब हर्ट होता था कि लोग मुझे पूछते आर यू सिक. तो आई लाइक मैंने ऐसा ठान दिया कि नाउ आई विल गेन वेट. तो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ चीज, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, चिकन खाना ज़्यादा चालू कर दिया. एवरी अदर डे आई यूज टू हैव चिकन. एंड बाय द एंड ऑफ कॉलेज डेज आई वॉज लाइक हेल्दीश, लाइक आई गेन्ड माई वेट एंड एवरीथिंग. आई बिकेम लाइक 57-58 kgs. और फिर मैं जॉब के लिए केरला चली गई. तो केरला में वी हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शन ऑफ फूड. सो देर एवरी अदर डे आई यूज टू हैव बटर चिकन एंड नान. तो इफ आई हैव बटर चिकन और नान टूडे, देन कल मैं राइस खाऊंगी. तो दैट वॉज माई होल मील. तो आई वॉज देर फॉर लाइक 4-5 months, और उसके वजह से मेरा वेट काफी गेन हो गया. तो वेन आई रिटर्न फ्रॉम केरला, घर पे सब लोग पूछने लगे तू वहां पे बहुत राइस खाती थी क्या. तो आई डोंट थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ राइस और चिकन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट देयर. क्योंकि जब मैं वहां से यहाँ पे वापस आई तो आई वॉज नॉट अ राउंड पर्सन. मैं केरला में थी तो मैं पूरा ऐसे राउंड बन गई थी, मेरा फेस पूरा राउंड हो गया था. सो येस, आई थिंक वो मेरा सबसे हाइएस्ट पॉइंट था जब मैंने वेट लाइक गेन किया था. एंड आई रीच लाइक 60, एंड आई वॉज लाइक या दिस इज 60 इज लाइक ऑप्टिमम हाइट, मेरे ऑप्टिमम वेट मेरे हाइट के हिसाब से. सो आई वॉज लाइक हैप्पी कि अभी 60 बहुत अच्छा वेट है, आई डोंट नीड टू लाइक गेन मोर वेट और समथिंग. और 2017 के स्टार्टिंग तक आई वॉज मेकिंग माई जर्नी टूवर्ड्स कि मेरे को 60 kg, 61 kg इज इनाफ, तो मैं उतना वेट अपना बनाऊंगी फ्रॉम 58. तो उस प्रोसेस में मैंने खाना चालू कर दिया वापस. तो आई स्टार्टेड लाइक ईटिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी. और हर एक एक घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ खाते रहती थी, मोस्टली लाइक प्रोसेस्ड फूड एंड एवरीथिंग. तो जनवरी 2017 आई गेस, तब तक मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था. और मेरे घर पे एक फंक्शन था, तो मैंने अपने जो बड़े सिस्टर्स हैं मेरी दोनों, उनको देखा, और दे वर लाइक उनका वेट भी मेरे जितना नहीं है. एंड माई सिस्टर इज मैरिड, तो आई वॉज लाइक वो मैरिड होके भी उसका वेट मेरे जितना नहीं है. एंड आई वॉज लाइक
आई नीड टू कट डाउन माई वेट और मैंने एक्सरसाइज एंड ऑल चालू कर दिया 2017 में एंड आई कंटिन्यूड इट फॉर लाइक 2 months एंड देन इट ऑल स्टॉप्ड एंड आई वॉज लाइक नहीं हो जाएगा वेट कम इट्स नॉट अ बिग डील आई लाइक माई बॉडी हाउ इट इज आई शुड नॉट बॉडी शेम माई सेल्फ कि मुझे पतला होना है एंड एवरी थिंग तो मैंने वो सब छोड़ दिया एक्सरसाइज एंड ऑल एंड आई रीच्ड लाइक 66 kgs बाय द एंड ऑफ 2017 होल 2018 आई ट्राई टू लूज वेट एंड नथिंग हैपेंड नथिंग एट ऑल आई वॉज एट 65 kgs फॉर होल 2018 और मुझे अपने बॉडी पे लाइक आई लव माई सेल्फ बट जो बोलते हैं ना बॉडी शेमिंग होता है तो घर में भी कोई आता था तो दे वर लाइक व्हाई आर यू गेनिंग सो मच ऑफ वेट यू शुड ईट लेस कम खाया करो यू शुड डू एक्सरसाइज और कोई भी होते थे हाँ तू बहुत अभी जाड़ी हो गई आई यूज टू हियर दैट एंड आई वॉज लाइक आई डोंट केयर वट एवर एनी वन सेज तो आई रियली डिड नॉट थिंक अबाउट इट मच पर थोड़े दिन बाद ये मुझे अफेक्ट करने लगा एंड मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी आई स्टार्टेड हैविंग बैक पेन आई कुड नॉट सिट डाउन एंड गेट अप मुझे साइटिका का प्रॉब्लम होने लगा आई यूज टू गेट लाइक पैर में मराठी में बोलते हैं मुंग्या एतात पायात सो यस आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी और इंग्लिश बट वो जो फीलिंग्स होती है एंट वाली पूरा पैर सुन्न हो जाते थे अगर मैं नीचे बैठती थी तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग आई वेंट टू द डॉक्टर ही टोल्ड मी यू आर सफरिंग फ्रॉम साइटिका यू माइट हैव अ स्लाइट स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम इन योर लोअर बैक सो आई स्टार्टेड हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड आई वॉज लाइक दिस इज हाई टाइम नाउ कि आई स्टार्ट लूजिंग वेट नॉट फॉर बिकमिंग इन टू वन फिगर और समथिंग पर क्योंकि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे एंड आई वॉज लाइक दिस इज हाई टाइम आई नीड टू डू दिस और मैंने बहुत सारा रिसर्च करना चालू कर दिया बाय द एंड ऑफ लाइक 2018 के एंड में ये सब होने लगा एंड आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग कि मुझे कौन सा डाइट करना चाहिए वॉट शुड आई ईट वॉट शुड आई डू तो ये सब चालू होने के बाद बाय डिसम्बर आई सैट डाउन एंड आई एम लाइक आई एम नॉट गोना फॉलो एनी डाइट आई एम गोना डू वॉट आई थिंक आई शुड डू फॉर माई बॉडी एंड आई डोंट नो आई स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी इन 2019 दैट वॉज माई रेजोल्यूशन इस साल आई एम गोना लूज वेट एंड लेट मी टेल यू गाइज मैंने बहुत ज्यादा लूज नहीं किया है वेट इट इज लाइक आई वेंट फ्रॉम 65 टू आई एम लाइक 61 राइट नाउ तो इट्स 4 kgs बट इट हैज मेक अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ सो येस दैट इज माई जर्नी नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द थिंग्स दैट आई फॉलो एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट फर्स्ट पॉइंट इज मेक योर ओन डिसीजंस डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट यू शुड लूज वेट और यू शुड गेन वेट आई डू नॉट सपोर्ट बॉडी शेमिंग और टेलिंग एनीवन टू लूज वेट और गेन वेट इट इज देयर बॉडी दे हैव टू डू द राइट थिंग बट ऑल्सो इट डजेंट मीन दैट यू लिव अ अनहेल्दी लाइफ जैसे आप किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है या तुम्हें वेट गेन करने की जरूरत है दे शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर देम सेल्फ एंड दे शुड मोस्टली स्टार्ट विद अ हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर सेकेंड थिंग इज डोंट चेंज फॉर एनीबडी इफ यू आर डेटिंग समवन एंड द पर्सन टेल्स यू दैट यू नीड टू लूज वेट और समथिंग डोंट डू दैट इफ दे लव यू दे विल लव यू लाइक यू आर डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स एंड डोंट चेंज फॉर समवन इफ एनीवन इज टेलिंग यू टू चेंज तो उनके लिए आप प्लीज 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 मत चेंज होना अगर आपको चेंज होना है तो खुद के लिए चेंज हो जाओ अगर आप खुद अपने बॉडी के साथ हैप्पी नहीं हो तो देन चेंज योर सेल्फ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज लव एंड अडोर योर सेल्फ रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द वे यू आर तो लव योर सेल्फ मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे और बोलोगे कि मैं आई लव माई सेल्फ तो इसीलिए मैं अनहेल्दी जी रहा हूँ नो यू शुड लिव अ हेल्दी लाइफ अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपके वेट के वजह से तो इफ यू आर हैविंग दोज प्रॉब्लम्स यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी एंड आई थिंक दैट इज एन अलार्म फॉर योर सेल्फ कि जब आपका बॉडी आपको कोई
बोल रहा है चीज कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू शुड ट्राई टू चेंज दैट, ट्राई टू डू समथिंग अबाउट दैट. अगर आपका वेट कम है तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड इफ योर वेट इज मोर तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो दोनों टाइम आपको आपके बॉडी की सुननी चाहिए एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट. Coming to my next point is don't follow any diet. Now I personally did not follow any diet, any sort of diet. Only thing is you should eat healthy. Avoid junk food, avoid bahar ka khana, avoid ordering from Swiggy and Zomato. I literally like uninstalled Swiggy and Zomato from my mobile for stopping myself from eating anything and everything that I want. सो या डोंट फॉलो एनी डाइट. अगर आपको चाहिए तो आप हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो, सबको घर में हेल्दी खाना खिलाओ. हेल्दी फूड इज गुड फॉर एवरी वन. सो या डू दैट. कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट इज वट आई डिड वॉज आई डिड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्रेविंग्स. अगर कुछ खाने का क्रेविंग होता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि यू नीड समथिंग स्वीट आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच, या फिर कभी नॉनवेज खाने का मन हो गया, कभी फ्राइज खाने का मन हो गया, डोंट स्टॉप योर सेल्फ. अगर आपको ऐसा मन हो रहा है कुछ खाने का तो तब भी खा लो, क्योंकि जितना आप अपने क्रेविंग्स को रोकोगे योर स्टमक एंड योर बॉडी विल स्टार्ट वांटिंग दैट थिंग मोर एंड मोर, विच विल मेक यू हंग्री एंड यू विल कीप ईटिंग अदर थिंग्स एंड दैट विल नॉट लाइक आपके बॉडी को शांत नहीं करेगा. सो यू नीड टू फीड योर बॉडी what it wants. तो अगर आपको उस टाइम पे जो भी चाहिए वो खाओ, पर मेक श्योर कि नेक्स्ट दो दिन या तीन दिन आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप जंक फूड नहीं खा रहे हो. दैट इज वॉट आई डू. अगर मुझे क्रेविंग हो रहा है कि अब भी मुझे कुछ मीठा खाना है, आई ईट एनी थिंग दैट आई गेट इन मीठा और एनी थिंग दैट आई एम क्रेविंग फॉर दैट मैटर. अगर मुझे चिकन खाना है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ, चिकन खा लेती हूँ. देन आई मेक श्योर कि अगले जो दो दिन है या तीन दिन है आई ईट घर का खाना और हेल्दी फूड व्हाट आई कॉल इट. सम पीपल मेक सैलेड्स एंड एवरी थिंग एट होम एंड कॉल इट हेल्दी फूड और फिर वो खाने का मन भी नहीं करता. सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट स्टफ, हेल्दी फूड और सब. आई ईट व्हाट इज देयर इन माई हाउस, आई कंट्रोल माई क्वांटिटी इन दैट. तो अगर मैं पहले दो चपाती खाती थी तो आई कट इट डाउन टू वन एंड हाफ चपाती. अगर मैं फुल प्लेट भर के राइस खा रही हूँ तो आई कट द क्वांटिटी डाउन. तो आप क्वांटिटी के साथ खेल सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक अ होल अदर थिंग, लाइक कुछ फैंसी चीजें आ गई, फ्रूट्स लाए. यू डोंट नीड टू डू दैट, यू जस्ट नीड टू एडजस्ट योर प्रपोर्शंस. तो प्रपोर्शन आप एडजस्ट करते जाओगे तो आपका हेल्दी खाना वैसे भी हो जाएगा, बिकॉज इंडियन फूड इज रियली हेल्दी. जितना जंक फूड आप बोलते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप ज्यादा ऑयली चीजें ना खाओ, बिकॉज ऑयली वैसे भी फैट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है, ऑल्सो स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता है. सो या मेक श्योर कि आप ऑयली कम खाओ पर हैव घर का खाना. दैट इज द हेल्दीएस्ट फूड आई थिंक. नेक्स्ट बिग चेंज दैट आई डिड इन माई सेल्फ वॉज आई कट डाउन चाय फ्रॉम माई डेली लाइफ. मैं सुबह और शाम को दो टाइम चाय पीती थी एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस. तो ऑफिस में क्या होता है, हर तीन घंटे पर चाय वाले भैया आते हैं एंड दे गिव ही गिव्स मी लाइक वन कप ऑफ स्मॉल कप ऑफ टी. हर दो घंटे बाद मुझे आदत हो गई कि चाय पीना है. अब उसके बाद मैंने क्या किया, घर पे मैंने बोल दिया कि आई नॉट हैव टी सुबह एंड शाम, क्योंकि ऑफिस में बहुत चाय हो जाता है. बट देन इतने साल का आदत है कि सुबह चाय चाहिए, तो आई स्टार्टेड अगेन ड्रिंकिंग टी. उसके वजह से ना एसिडिटी होने लग गया. तो आई थिंक यू शुड कट डाउन योर चाय एंड कॉफी हैबिट्स, बिकॉज दे डोंट रियली हेल्प इन वेट लॉस और वेट गेन. इट इज जस्ट अडिक्टिव टू यू एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन हैव मिल्क. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग मिल्क. ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मिल्क, तो मेरे घर पे भैंस का दूध आता है फॉर एवरीबडी एंड आई स्विच्ड फ्रॉम भैंस का दूध टू गाय का दूध, बिकॉज गाय के दूध में कम फैट्स होते हैं. तो आई स्टार्टेड हैविंग दैट एंड आई कट डाउन लाइक चाय कॉफी सब बंद कर दिया. नाउ एवरी डे सुबह और शाम को आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और आई डोंट ऐड इवन शुगर और एनीथिंग इन दैट. सो आई जस्ट वार्म अप द मिल्क एंड हैव दैट. समटाइम्स इफ आई फील लाइक, अगर कभी कभी ऐसा मन होता है कि सिर्फ दूध नहीं पीना है, तो आई पुट इन बॉर्नविटा और शुगर फॉर दैट मैटर.
और अभी तो मैंने मसाला दूध पीना स्टार्ट कर दिया, विच इज रियली हेल्दी, सो या मैं वही पीती हूँ आजकल. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी क्लीशे टॉपिक, सब अपने डाइट प्लान्स में और सब अपने वेट लॉस जर्नी में बोलते हैं कि वाटर इज द की, एंड आई लिटरली स्वेयर बाय इट. तो मैं अपने साथ लाइक लिटरली नाउ ऑल्सो आई हैव दिस बॉटल विथ मी, तो मैं ये बॉटल लाइक 3 to 4 times तो ये मेरा खाली हो ही जाता है बॉटल. सो आई कीप वन बॉटल विथ मी एवरी टाइम, इवन इफ आई एम वर्किंग तो मैं अपने डेस्क पे बॉटल रख देती हूँ. आई फिनिश लाइक वन बॉटल एवरी डे विथ माई लंच और डिनर, तो लंच और डिनर के साथ तो मेरा एक एक बॉटल खत्म हो जाता है. दिस इज 750 ml का बॉटल, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1.5-2 liters तो मेरे अंदर चला जाता है ऐसे. एंड अगर आप पानी का बॉटल सामने रखते हो ना तो यू स्टार्ट हैविंग मोर वाटर. सो आई थिंक सबको यही करना चाहिए, यू शुड कीप योर वाटर बॉटल विथ यू ताकि वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाए. वाटर इनटेक से आपको जो भूख लगती है हमेशा वो कम हो जाती है. समटाइम्स आपका दिमाग आपको ट्रिक करने लगता है, आप थर्स्टी होते हो पर आपका दिमाग आपको बोलता है कि आपको भूख लगा है. जैसे ही आप पानी पी लेते हो ना इट हंगर आपका रुक जाता है. सो दैट इज व्हाट आई डू, इफ आई फील लाइक आई एम हंग्री तो मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा. इवन इफ आफ्टर दैट अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे कुछ खाना है देन आई हैव समथिंग, बट मोस्टली इट इज कि पानी पी के हो जाने के बाद यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द खाने वाला पार्ट एंड एवरीथिंग. सो यस, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर. ऑल्सो ये टॉक्सिन्स वॉक्सिन्स फ्लश करने में हेल्प करता है, इट इज रियली ग्रेट फॉर स्किन एंड योर हेयर, तो वाटर तो बेस्ट है सबसे. नेक्स्ट पॉइंट इज बी एक्टिव एवरी डे. सो एवरी डे मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जिसके वजह से आपका बॉडी एक्टिव है. फॉर 1 hour डू anything दैट यू लाइक. अगर आपको एक्सरसाइज करने में ईज पड़ रहा है तो आप एक्सरसाइज कीजिए. अगर आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको वैसा वाला एक्सरसाइज करना है तो आप वो कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू डू योगा यू कैन डू दैट. इफ यू वॉन्ट टू डू सम बेसिक एक्सरसाइज एट होम, क्रंचेस, एब वर्कआउट्स या जो भी आप DIY जो आप YouTube पे वीडियोज देख के आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. अगर आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं लाइक मी, देन यू कैन गो फॉर अ वॉक. आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हो जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, या फिर जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आप 1 hour कुछ भी करो. एंड समटाइम्स आई इवन डांस लाइक 1 hour मैं म्यूजिक लगा देती हूँ टीवी पे, जो भी गाने आ रहे हो उस पर डांस. इफ यू कांट डांस डू गणपति डांस, दैट इज व्हाट आई डू. समटाइम्स ऐसे गाने लग जाते हैं कि उस पर डांस ही नहीं कर सकते, तो आई मेक श्योर कि आई डू समथिंग फॉर 1 hour विच एक्टिवेट्स माई बॉडी, एंड उसके वजह से मैं 1 hour अपना बॉडी कुछ एक्टिव हो रहा है मेरे बॉडी के. आई एम नॉट जस्ट सिटिंग इन वन प्लेस, और अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ऐसे सो नहीं रही हूँ. तो 1 hour आई मेक श्योर कि आई डू समथिंग. और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से 1 hour निकाल सकें, वी आर ऑलवेज ऑन आर फोन्स, तो आप अगर फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट सिट एंड टॉक, यू कीप रोमिंग इन योर हाउस. नाउ मेरे घर में सबको पता है इफ आई एम टॉकिंग ऑन द फोन आई एम लाइक गोइंग एवरीवेयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. मैं ऐसे घूमती रहती हूँ गोल गोल. एंड समटाइम्स मम्मी पापा इज लाइक तू एक जगह पे बैठ के बात क्यों नहीं करती, एंड आई एम लाइक मुझसे नहीं होता है. एंड दिस हैज बिकम अ हैबिट नाउ. मैं बैठ के किसी के साथ कॉल पे बात ही नहीं कर सकती. अगर किसी का कॉल आता है द इमीडिएट थिंग दैट आई डू इज आई गेट अप, तो वो मेरा अभी हैबिट हो गया. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट इज आई डोंट फॉलो अ टाइम फॉर माय मील्स. नाउ समटाइम्स आई गेट अप एट 7 o'clock तो मुझे 8-9 तक भूख लग जाती है, तो आई हैव माय ब्रेकफास्ट देन. और जैसे जैसे मुझे भूख लगती है आई स्टार्ट हैविंग फूड एट दैट टाइम. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोपहर के 1 or 2 रहा है तो आई नीड टू हैव लंच, अभी 6 रहा है तो आई नीड टू हैव टी एंड बिस्किट और सम स्नैक्स और समथिंग, अभी 9 रहा है तो आई नीड टू हैव डिनर. तो आई हैव स्टार्टेड गिविंग अप ऑन द टाइमिंग थिंग. तो मैं अभी टाइमिंग तो फॉलो ही नहीं करती हूँ. वट आई डू इज वेन एवर आई फील हंग्री आई हैव माई लंच एंड डिनर. तो डिनर का तो मोस्टली एक है कि हम लोग सब साथ में डिनर करते, तो आई हैव डिनर बाय लाइक 9-9:15. बट मेरा जो लंच टाइमिंग्स है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम आई गेट अप.
तो अगर मैं सुबह जल्दी उठी हूँ तो मुझे जल्दी भूख लगता है, तो आई हैव माई लंच लाइक एट 12 और समथिंग। उसके पहले मैं नाश्ते में कुछ खा लेती हूँ लाइक 9:30-10 के आसपास। तो एवरी 2 hours आई कीप ऑन ईटिंग सम और द अदर थिंग। तो जैसे मैंने 9 या 10 o'clock को ब्रेकफास्ट कर लिया तो मेरा लंच टाइमिंग जो है वो 12:30-1:30 के टाइम पे आ जाता है, तभी मुझे भूख लग जाता है, तो आई हैव माई लंच। पर उसके बाद कभी कभी आई गेट हंग्री एट लाइक 5 o'clock, तो मैं उस टाइम पे कुछ खा लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है मेरा लंच टाइमिंग जो है वो लेट हो जाता है बिकॉज समटाइम्स आई शूट एट नाइट, तो मुझे सुबह लेट उठती हूँ मैं, तो आई गेट अप एट लाइक 10-11, तो मुझे रेडी होने में और सब करने में इट बिकम्स लाइक 12-12:30, सो आई डायरेक्टली हैव माई लंच। तो इट डिपेंड्स ऑन वॉट टाइम आई गेट अप, तो उसके वजह से मेरे सारे टाइमिंग्स आगे चले जाते हैं। तो मेरा जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम था जो 5 o'clock था, दैट शिफ्ट्स टू लाइक 6 or 7 क्योंकि मुझे तब भूख लगने लगती है। तो 6-7 के आसपास अगर आपने कुछ खा लिया ना तो आपका डिनर अफेक्ट करता है उसके वजह से। तो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स योर होल मील। तो उसके वजह से आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस थिंग कि अगर आपको भूख लगे तो खा लो वॉट एवर टाइम इट इज। सो या दैट इज वॉट आई फॉलो फॉर द टाइमिंग्स। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज शुगर। तो शुगर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं। आई फॉलो बियर बाइसेप्स, तो रणवीर ने भी उसमें बहुत सारे टाइम बोला है कि शुगर के वजह से एक एडिक्टिव आदत हो जाती है। जैसे बच्चों को भी आप अगर चॉकलेट या मीठा दे दो ना, वो उनको शुगर रश हो जाता है। दैट इज द थिंग विद एवरीवन। तो हमें क्या है, शुगर का आदत हो जाता है, लाइक चाय कॉफी में शुगर डाल दिया या फिर रोज के खाने में भी। नेचुरल शुगर्स तो होते ही है खाने में, पर कुछ चीजों में हम लोग ऐड कर देते हैं शुगर। सो आई हैव कट डाउन शुगर। मेरे को पता है इंडियन फूड हैबिट्स में वो नामुमकिन चीज है, बिकॉज अभी तो गणेश उत्सव था तब 10 days मेरे घर पे मीठा बन रहा था, मोदक आ रहे थे घर पे, तो आई हैड दैट, आई डिड नॉट गिव अप ऑन दैट। पर बाकी ईयर राउंड आई डोंट ईट दैट मच ऑफ शुगर, सो वंस इन अ वाइल इट इज ओके। अभी मुझे पता है दिवाली में भी आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड एवरीथिंग, बट दैट्स फाइन, दैट्स रियली फाइन। आई डोंट हैव लाइक अदर शुगर्स लाइक एवरी डे वाला, सो आई नो दैट आई एम गोना कीप अप विद दैट। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज मेजरिंग योर सेल्फ एंड वेइंग योर सेल्फ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया स्टार्टिंग के मंथ्स में, मैं बहुत कॉन्शियस थी कि अभी मैं थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रही हूँ तो मेरा वेट अभी कम होगा। तो आई स्टार्टेड मेजरिंग माई सेल्फ एंड वेइंग माई सेल्फ एवरी अदर डे। तो होता ये है कि एवरी डे आपका वेट कम नहीं होने वाला है, लाइक आज 65 है तो कल 63-64 नहीं होने वाला है, इट विल टेक टाइम, सो यू नीड टू बी पेशेंट। आपको टाइम लगेगा वेट कम करने में, बट इट विल शो रिजल्ट्स। आप जैसे जैसे हेल्दियर लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दोगे वैसे वैसे यू विल गेट टू द पॉइंट ऑफ लाइक वेट कम होना चालू हो जाएगा। ऑल्सो आई डिड नॉट रियलाइज कि मैंने वेट लॉस किया है, बिकॉज स्टार्टिंग के मंथ्स में आई यूज टू ट्रैक कि अभी वेट कम हुआ होगा, अभी वेट कम हुआ होगा, एंड लाइक फॉर 2-3 weeks ना कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखा, लाइक आधा किलो इधर उधर दिख रहा था ना, आई वॉज लाइक आधा किलो से क्या होता है, आई नीड टू लूज वेट, आई एम डूइंग दिस फॉर माई बॉडी, आई नीड टू गेट इन शेप एंड एवरीथिंग, और वो कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। नाउ कमिंग टू लाइक ये सब हुआ जैन फेब में दिस ईयर। तो कमिंग टू गणपति, तो गणपति में मेरे सिस्टर और मेरे जीजू आए थे एंड दे बोथ स्टार्टेड आस्किंग मी कि तूने वेट लॉस कैसे किया, वी नीड टू लूज आवर वेट, तो मुझे टिप्स दे, एंड आई वाज टेकिंग इट ऑल एज अ जोक। सो जीजू एंड ज्योत्सना, बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर दैट। दे बोथ स्टार्टेड आस्किंग मी कि तूने वेट कैसे लूज किया, हमको भी बता। एंड मैं उसको बहुत लाइक लाइटली ले रही थी, जोकिंग ले कि नहीं ये लोग मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे कि आई हैव लॉस्ट वेट, और ऐसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा मजाक उड़ा रहा है कि हमें टिप्स चाहिए ये चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि लास्ट ईयर जो मुझे कुर्तीज बहुत टाइट फिटिंग आती थी, दिस ईयर दे स्टार्टेड फिटिंग मी अ लिटिल बिट लूज। जो टी शर्ट्स लाइक दे लिटरली यू कुड सी माई लव हैंडल्स, तो वो मुझे थोड़े लूज होने लगे। जो मेरे जीन्स एंड ऑल थे, आई नीड अ बेल्ट नाउ क्योंकि मेरे कोई भी जीन्स मुझे फिट नहीं आता है। एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि ये छोटे छोटे चेंजेस है ना, ये इतने मेजर नहीं है कि मुझे दिखेंगे,
दीज वर नॉट द चेंजेस कि वो मुझे दिख रहा था. आई वॉज लाइक यार धो धो के टी शर्ट लूज हुआ होगा, दैट इज वाई इट इज लाइक दिस. पर जब मेरे सिस्टर ने और मेरे जीजू ने मुझे टिप्स विप्स मांगना चालू किया, देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि यस आई हैव लॉस्ट वेट. देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई पिक्चर्स इन द सेम कुर्तीज एंड एवरीथिंग, एंड देन आई वॉज लाइक या मैन आई हैव लॉस्ट वेट. और तब मैंने अपना वेट किया वापस, एंड आई वॉज लाइक या आई हैव लॉस्ट लाइक 3 kgs नाउ, और आई हैव जस्ट स्टार्टेड लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. मैंने सिर्फ हेल्दी रहना चालू किया एंड आई हैव लॉस्ट वेट, एंड आई वॉज लाइक या दिस इज ग्रेट, आई शुड डू दिस. एंड फॉर द लाइक पास्ट 2 months ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड अगेन ईटिंग हेल्दी, क्योंकि गणपति में थोड़ा मीठा वीठा खाना था एंड एवरीथिंग, तो आई स्टफ्ड माई फेस, बहुत सारा खा लिया, तो तब थोड़ा वेट गेन वापस हो गया था. बट नाउ अगेन आई एम एट 61 kgs, सो येस. और या आई थिंक दिस इज इट विथ माई वेट लॉस जर्नी. अगर आपको आपके बॉडी में चेंजेस चाहिए, मे इट बी वेट लॉस और वेट गेन, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चालू करना चाहिए. यू शुड मूव टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल. सो या दैट इज इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो. ऑल्सो कमिंग टू द शुगर पार्ट, I'm gonna do cutting sugar completely out of my life for like 1 month or something. I'm gonna do that challenge. So let me know if you would like to see that in a vlog style, or अगर आपको journey देखना है कि sugar cut down करने से क्या होता है body changes, तो let me know in the comment section below, ताकि मैं उस पर एक video बनाऊँ. That will come probably next month, क्योंकि अभी मैं चालू करूँगी. So yeah, I think that is it with today's video. I really hope you enjoyed it. Also, I hope jitne logon ne mujhe video banane ke liye bola tha, you got all your answers. If not, if you have more questions or anything, let me know in the comment section below. Follow me on Instagram. I'm pretty much active there. I'll definitely answer your questions over there as well. So yeah, go follow me on Instagram. So yes, I'll wrap up this video now and I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye.